निम्र, आप साथ साथ बताती जाना, जहां पे मसला होगा फौरन पूछ लेना, ठीक है? अच्छा जी मैम। जी, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों ने IBW कैलकुलेट करना है, मैन या वुमेन जिसका भी हमने करना है, अंडर 5 फिट, ठीक है? अब सबसे पहले मुझे हाइट बता दो, हम लोग वुमेन के लिए कर लेते हैं, ठीक है? फीमेल फोर के पॉइंट लिए कर लेते हैं, फोर पॉइंट फाइव ले लें मैम। एक मिनट। ठीक है, अब हम लोग फीमेल के लिए कर रहे हैं। फीमेल के लिए मुझे ये बताओ कि फर्स्ट 5 फीट के लिए हम लोग क्या वैल्यू लेते हैं, आइडियल बॉडी वेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो। 100 100 ले लिया, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, इस 4 फीट 5 इंचीज हैं, इस इंचीज में कितना प्लस करेंगे कि 5 फीट हाइट हो जाए? ये 5 इंचीज है ना, 5 इंचीज में कितना ऐड करेंगे कि वो 1 फिट बन जाए? निम्रा जी मैम, बताएं। यही से नहीं समझ आती, जी एक यही पॉइंट मिनट, नहीं क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12 होते हैं 12 इंचेस होते हैं, जी। ये हमारे पास 5 इंचेस हैं, इसको हमने फिट में, फिट 1 फुट बनाना है, 1 फिट बनाना है, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 12 हो जाए? सेवन 7। आई समझ? जी हमारे पास 7 है, हमने कहा था कि हमारे पास 5 फिट से नीचे जितने भी इंचेस होंगे उसमें हमने -2 करवाना है। एक जो इंच है वो हमने इक्वल लेना है 2 पाउंड के, ठीक है? अब ये कितने इंचेस कम है हमारी हाइट? निम्रा नहीं जी मैम। समझ आ रहा, तब भी बताओ, चुप क्यों कर जाती हो? बताओ, नहीं समझ आया तो। 1.5 कम होगी हाइट, मतलब 10 कैसे 1.5? 1.5 नहीं, हमारे पास हाइट थी ना 4.4 फिट 5 इंचेस है ना, ठीक है? इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 5 फिट होगी हाइट, ठीक है? अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 7 इंचेस कम है, ठीक है? 7 इंचेस कम है मतलब कि हमने 7 इंचेस में से हर इंच के अगेंस्ट 2 को माइनस करवाना है, 2 पाउंड को। ये हमारे पास 7 है, जब 7 को 2 × 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 14 14। नहीं समझ आई तो बताओ। मैम, ये -2 पाउंड क्यों करना है? ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इट्स अ फॉर्मूला कि अगर हमारे पास अंडर 5 फिट हाइट है तो हम लोग हर इंच में से 2 पाउंड माइनस करवा देंगे, जितने इंचेस कम होंगे 5 फिट से नीचे उतना हम लोग 2 माइनस करवा देंगे उसमें से। अगर हाइट यहाँ 4.6 होती तो कितने इंचेस कम थे एक 5 फिट तक जाने के लिए? 6 सिक्स। सिक्स तो 6 × 2 = 12, तो -12 कर देते, मतलब 1 इंचेस जो है वो इक्वल है 2 पाउंड के। अगर 4.11 हाइट है तो मतलब 1 इंच कम है, तो फिर हम लोग -2 करेंगे, ठीक है? 4.10 है, 4 इंचेस कम है, सॉरी 2 इंचेस कम है, ठीक है? और 2 × 2 कर लेंगे क्योंकि 1 इंच इक्वल है 2 पाउंड के, तो 4 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 7 इंचेस कम है,
सेवन इंटू टू करेंगे तो -14 हो जाएगा, याद रखने समझ आई तो बताओ। आ गई है मैं। आ गई है समझ, माइनस करो अब 100 -14। -86 86। अब हम फॉर्मूले में 100 एडिशनल के लिए क्या वैल्यू लेते थे? 100 तो फर्स्ट 5 फिट के लिए हो गया, एडिशनल को किससे मल्टीप्लाई करवाते थे जो 5 से ऊपर एडिशनल इंचेस होते थे? उसको फाइव से एज इट इज लिख देना, करो प्लस, क्या आंसर आता है? 91। 91 जो हमारे पास आंसर आया है ये पाउंड में है, पाउंड को केजीज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2.2 तो करो क्या आंसर आता है। अली हसन है क्लास में? मैम 41। क्या आंसर आता है? 41। समझ आ गई है? जी चलो ओके ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना हो या हम स्टार्ट करें? अच्छा जी, आज हम लोग करेंगे AMDR। जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज AMDR। एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। जी जैनब, डेली पर्सन कैलोरीज कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, अब एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिस्मा, डोंट इररिलेवेंट टेक्स्ट। फोकस ऑन योर लेक्चर। एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इनकी हमने ठीक है, इनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। अब हमारे पास वैल्यूज जो सेट है कि हमने कितनी कितनी रेंज देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी परसेंटेज सेट है हमारे पास, बताओ। 55 to 65%। कितने? फोर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट।
45 to 65% गुड सबा. प्रोटीन की कितनी है? 10 to 25%. ट्वेल्व टू 25 भी है और 20 भी है, ठीक है. फैट की कितनी है? 20 to 35%. 22-35%, ठीक है. ये आप लोगों को पता है. अब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. सबा 12 to 20% भी हो सकता है और 12 to 25 भी हो सकता है, ठीक है. डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट रिसोर्सेज में ये वैल्यूज हमें इस तरह से फ्लक्चुएट मिलती हैं, ठीक है. लाइक 12 to 20, 12 to 25, ठीक है. तो इसमें कोई वो कंफ्यूजन की बात नहीं. आपको भी पता है कि आपने अपना 100% पूरा करना है, स्टैंडर्ड इनके बीच में ही लेना है, ठीक है. ये हमारे पास वैल्यू. अब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना एज्यूम कर लेते हैं एक पर्सन है. जब हमने उसकी कैलोरीज कैलकुलेट की हैं, वो हमारे पास आई हैं 1500 किलो कैलोरीज है. अब मुझे ये बताओ कि जो कैलोरीज किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं. कैलरीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हम लोग किस फॉर्मूले से कैलरीज कैलकुलेट करते हैं? जाहिर सी बात है, जब तक हमें कैलरीज नहीं कैलकुलेट करनी आएंगी, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं ना कर सकते हैं. तो बताओ. मुझे भी आपने पढ़ाया था हैरिस जेनेटिक इक्वेशन उससे. चीजें इक्वेशन का नेम तो आप लोगों ने बता दिया है. मुझे बताओ इक्वेशन क्या थी. इक्वेशन दो हमने पढ़ी थी, उनका नेम क्या था? हैरिस बेंडविक ने तो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है. इक्वेशन में बेसिकली फाइंड आउट क्या किया जाता है? बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर और सेकंड वन टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर. जी, बेसल मेटा एनर्जी एक्सपेंडिचर और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मींस के टोटल कैलोरीज विद फिजिकल एक्टिविटी एंड इंजरी फैक्टर. ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हम लोग सिर्फ ऐसे जस्ट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो TEE है ना वो 1500 आया, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 1500 आया. अब हमने जो है इसकी AMDR करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है. अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हम लोग कार्ब्स कितने परसेंट लें इस पर, कितने परसेंट कार्ब्स लिया जाए? 50% ओके, 50% कार्ब्स ले लेते हैं. अब हमने इस 50% को चेंज करना है. जैनब हमने अब 50 कर लिए है, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे फिर उसमें 60. 50% हम लोगों ने कार्ब्स लिए हैं, ठीक है. अब हमने ये परसेंटेज में वैल्यू है, हमें तो परसेंटेज में नहीं ना पता चलेगा कि लाइक हम मतलब कितने परसेंट कितने सर्विंग्स लेनी है. हम इसको चेंज करेंगे किलो कैलोरीज में. किलो कैलोरीज में चेंज किस तरह से करेंगे, इसका फॉर्मूला है. परसेंटेज खत्म करेंगे मैंने इसकी, 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1500. करें और बताएं क्या आंसर आता है. परसेंटेज खत्म करनी तो आती है ना, परसेंटेज वैल्यू खत्म करने उसको 100 के साथ, ओके. उसको 100 के साथ डिवाइड करवाना है, जो टोटल कैलोरीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है. हमारे पास आ गई 750 कैलोरीज, ठीक है. अब हम चाह रहे हैं कि इन कैलोरीज को हम लोग ग्राम में चेंज कर लें. अब वो किस तरह से चेंज होगा?
डिवाइड करेंगे इसको जितनी एनर्जी कैलोरीज प्रोवाइड करते कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितने किलो कैलोरीज देता है? 4 ग्राम। 4 ग्राम। 4 750 को डिवाइड करवा देंगे 4 के साथ, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक मॉलिक्यूल है वो हमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? वन एटी एट ले लेते हैं उसको। वन एटी एट हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? 7:58। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता था कि हमारे पास जो है वो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है, तो 750 ग्राम में हमारे पास कितनी कैलोरीज होंगी? 188। मतलब जो हमने अपनी डेली रूटीन है ना, जो डेली हमने अपना खाना है, ठीक है, एक वन डे का जो मील है उसमें हमने 188 कैलोरीज पूरी करनी है। लाइक 750 ग्राम हमने कार्ब्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ठीक है? इसकी समझ आ गई है सबको? जी अभी कौन बोला था? मैं कह रही हूँ 750 कैलोरीज नहीं होगी, आपने 750 ग्राम बोला। ये चीज ना मुझे कंफ्यूज कर रही है। 188 ग्राम है जो हम लोग टेक करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, 750 किलो कैलोरी होगी। ओके ओके ओके, सॉरी बाय मिस्टेक, पहले मैंने कैलोरीज ही लिखा था। कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज। हाँ जी, 750 कैलोरीज है और 188 ग्राम जो है वो हमने डेली रूटीन में जो है वो मतलब अपने डेली जो मील है उसमें जो है वो कंज्यूम करना है, ये ग्राम में। ओके सॉरी, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेते हैं वो, अब हमने प्रोटीन लेनी है, ठीक है? अब बताएं प्रोटीन की कितने परसेंट ली जाए? कार्बोहाइड्रेट 50% दे दिया, प्रोटीन ओके जी, नहीं सबा 25 ज्यादा हो जाएगा। ओके जी, हम लोग 15% ले लेते हैं, ठीक है? अब इस 15 को चेंज कराना है 15 × 100 और × 1500, इसकी परसेंटेज की वैल्यू खत्म की। आंसर क्या आता है हमारे पास? टू ट्वेंटी फाइव कैलोरीज। अब इसको हम लोगों ने चेंज करना है ग्राम में, तो इसके लिए 255 को किससे डिवाइड करवाएंगे? डिवाइडेड बाय सेम एज 4, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 56.2।
56.2 ठीक है 56 ग्राम अब हमने जो है वो ये करना है प्रोटीन कंज्यूम करना है वन डे मील में ठीक है ये आप लोग याद रखना जो वैल्यूज निकाल रहे हैं ठीक है उसके बाद फर्दर हम लोग आ जाते हैं क्या बचा पीछे हमारे पास फैट जी गुड आप फैट बताएं कितनी देंगे फिफ्टीन हमने दे दी कार्बोहाइड्रेट्स 5% किस तरह देंगे 25 बाकी 25 रह गया ना जी 25% गुड जैनब तो जो रह गया है ना 25% वो हम फैट देंगे इससे हमारा 100 जो है वो हो जाएगा पूरा ठीक है 25% हम लोगों ने फैट दिया इसको भी हम एज इट इज फॉर्मूले से चेंज कर लेंगे ठीक है बताओ आंसर क्या आता है 375 किलो कैलोरीज आ जाएंगी हमारे पास अब 375 को किससे डिवाइड करवाएंगे कि हमें ग्राम्स में आंसर मिल जाए 9 ओके 9 से डिवाइड करवाएं जी कुरतुलान ये वन डे की कैलोरीज होती हैं ठीक है और ऑब्वियस सी बात है जब वन डे के फाइंड आउट कर लिया तो फिर हमें पता है कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी है 42 अब हमने अपनी वन डे मील में 42 ग्राम जो है वो फैट लेना है ठीक है ठीक है यहाँ तक सबको समझ आ गया हमने एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज किस तरह से करनी है हमने न्यूट्रिएंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी डाइट में ओके गुड सैनब अब मैंने तो ये जो कैलोरीज लिखी थी एक मिनट वेट करना जरा ओके जी अब मैंने तो ये जो कैलोरीज हैं ये
मैम एक क्वेश्चन है जी मैम, हमने टोटल 100% नहीं पूरा करना इन सबका, कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का? जी हमने 100% पूरा करना है। अब जो आप लोगों ने कैलोरीज, जी मैम 50% हमने कार्ब्स लिए, 50 और 15 प्रोटीन लिया और फैट्स 25 लिया, तो मैम टोटल 100 तो नहीं बनता? नहीं बनता 100, 10% बचता है मैम, 90% बनता है। किसने मुझे बताया था फैट 25% लेना है? किसने बताया था? मैंने बताया था। निम्रा खुदा का खौफ कर लो थोड़ा। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो भाई मैंने भी वो ध्यान नहीं किया कि वो 100% पूरा नहीं हो रहा, बट हमने 100% पूरा करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग। नहीं फैट की परसेंटेज 25-35% तक होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो 25 हमने फैट लगाया था वो 35 करना है, ठीक है? बाकी चीजें तो एज इट इज ही रहेंगी, बस वैल्यूज ही चेंज आएंगी। जी मैम ठीक है। ठीक है जी मैम ओके। अच्छा तो मैं क्या बता रही थी, जिन केसेस में फैट्स को कम देना होता है फिर हम लोग उसकी मिनिमम परसेंटेज यानी 25 यूज करते हैं। जी फिर कंडीशन देख के डिजीज के अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी मतलब रिक्वायरमेंट देखते हैं कि अगर हमने फैट रिस्ट्रिक्ट करानी है तो फिर हम लोग ने उसको 25% ले आएंगे, ठीक है? तो उसमें फिर हम लोग हेल्दी फैट देते हैं, ठीक है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करवाते, फिर हेल्दी फैट देते हैं और उसकी फिर मिनिमम जो वैल्यू होती है वो ले लेते हैं। इसी तरह अगर प्रोटीन रिच डाइट देनी हो, ठीक है, हैवी जो प्रोटीन रिच डाइट देनी हो, फिर उसमें हम प्रोटीन का जो कंटेंट है वो 20 से अबव ले जाते हैं, लाइक 25% भी दे देते हैं। अच्छा मैं अभी क्या बताने लगी थी आपको, अच्छा यहाँ तो हम लोगों ने ये जो कैलोरीज हैं ये अज्यूम की हैं, लाइक मतलब सपोज कर लिया कि 1500 है, ठीक है? अब हमारे पास ये कैलोरीज फ्लक्चुएट भी हो सकती हैं, ठीक है? हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, पॉइंट में वैल्यू है, उसको राउंड अबाउट करके लिखे ऐसे एमर्जिटीज लाइक 1530 हो, 1542 हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब जितनी किलो कैलोरीज निकली थी ना हमारे पास, उन सबको प्लस करें और देखेंगे 1500 बनता है कि नहीं बनता। और वैल्यूज मुझे लिखवाएं जरा क्या क्या थी। फैट की हमारे पास, फैट को हम लोग कर ही लेते हैं दोबारा, फिर वो 1500 बनेगा। जी जी किसी ने कुछ बोला है, क्या कह रहे हो? करो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ फाइनल आंसर। 25 क्या 25 फाइनल बताओ, इसको डिवाइड करवा दो। ग्राम कैसे हो सकता है? मैम 525 मैम 9 से डिवाइड करके 58.33 आता है। 58 ठीक है, ये निकल आएंगी, ठीक है हो गया। अब मुझे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने कैलोरीज निकाली हैं उन सबका टोटल 1500 बनता है कि नहीं बनता।
फैट हमारे पास थी 525. प्रोटीन कितना निकला था, कार्बोहाइड्रेट्स कितना निकला था, 7. बच्चन लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, ताकि बार बार ना इधर उधर. मैम कॉप 750 थे. और प्रोटीन, प्रोटीन 525. नहीं, 525 तो फैट. सॉरी सॉरी, 225 है मैम. इन सबको ऐड करो, देखो कि 100 बनता. सॉरी 1500. जी मैम बनता है. हो गया पूरा जी. चलो गुड है, ठीक है, समझ आ गई है. अब हमने करके भी देख लिया कि आया जो हम लोग जितनी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो हमारी टोटल कैलोरीज बनती भी हैं कि नहीं. तो अगर इसमें फ्लक्चुएट निकलता है और भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, फ्लक्चुएट निकलता है. जब हम अच्छा 1500 हो गई ना हमारी, ठीक है, ये हमारी AMDR कंप्लीट हो गई है. इस अब हम आगे बेसिक चीज है कि हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो ग्राम्स में हम लोग किस तरह से पूरी करेंगे, कैलोरीज में जितने कैलोरीज थे वो किस तरह से हम लोग पूरी करेंगे. ठीक है, वैल्यू हमने निकालनी दोनों में, कैलोरीज में भी उसको, बस उसको ग्राम में भी कन्वर्ट करना है. तो अब हमने वो जो है वो किस तरह से फुलफिल करानी है, वो अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान कि हम उसमें ऐसी चीजें देंगे कि 1500 जो कैलोरीज है वो पूरी हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट शेयर करो, उसको डिस्कस करते हैं. एक्सचेंज लिस्ट शेयर करो खतीजा, सॉरी निम्रा स्क्रीन शेयर कर रही. निम्रा मैम ये वाली थी. जी सबा, क्या क्वेश्चन है जी, पूछें. मैम क्वेश्चन ये है कि हमने जो फूड पैरामीटर में पढ़ा था कि हमने स्पेरिंगली यूज करना होता है फैट्स एंड ऑयल्स को, तो अब हम डाइट प्लान में हम कह रहे हैं कि हमने 35% पर करना है, तो ये दोनों चीजें आप उसमें अटैच नहीं कर रही? फूड पैरामीटर में पढ़ा था जी. फैट में आता क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर वो था फैट्स एंड ऑयल. फैट्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं ये बताओ.
मैम कुकिंग ऑयल हो गया. इट्स अ ऑयल, इट्स अ ऑयल. फैट के नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं? क्या फिश में फैट नहीं होती? मीट में भी फैट होता है, फिश में भी होता है, एवोकाडो में भी होती है, चॉकलेट में भी होती है, नट्स में भी फैट होती है. तो इस फैट की बात हो रही है जो कि एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता है, ना कि उस फैट की जो फूड पायरामिड में थी. वो फूड पायरामिड में जो फैट थी वो एक अदर्स के लिए ऑप्शन था, जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, जो हम स्वीट यूज करते हैं, जो हम फ्लेवर्स यूज करते हैं, वो उसकी बात थी. यहाँ पे हम लोग फैट को एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस कर रहे हैं. जी मैम ठीक हो गया. तो हम इसमें मतलब थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं जो हम कुकिंग ऑयल लेते हैं, बेशक वो ऑलिव ऑयल ही क्यों ना हो या वो घी वगैरह क्यों ना. जी जब हम लोग वो लेंगे ना तो वो भी हमारी इसमें कंसीडर होगा, लेकिन इसमें हम लोग खाली ऑयल तो नहीं ना खाते. हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें नेचुरली फैट प्रेजेंट होती है. हेल्दी फैट की बात हो रही है, जो चीजों के अंदर फैट प्रेजेंट होती है, ना कि हम लोग आर्टिफिशियल यूज करते हैं लाइक फ्लेवरिंग के लिए, बल्कि पहले से ही प्रेजेंट होती है उस फैट की. और फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये तो पढ़ा है ना हमने. जी मैम. तो ये फैट की बात हो रही है. जो फूड पायरामिड में हमने जो फैट और ऑयल की बात किया वो अदर्स में है. फैट उसमें ये चीजें नहीं आएंगी, उसमें फिर वो ऑयल वगैरह, घी वगैरह, ये वाली चीजें हैं, और स्वीट्स वगैरह, शुगर वगैरह जो हम लोग लेते हैं वो वाली चीजें हैं. ठीक है जी मैम, ठीक हो गया. थैंक यू मैम. अच्छा जी, ये हमारे पास है फूड एक्सचेंज लिस्ट. यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो फूड्स को 7 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, स्टार्चेज हैं, स्टार्चेज में वही हमारे पास होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह हैं. उसके बाद फ्रूट फ्रूट जूसेस हैं, मिल्क है, योगर्ट है, डेयरी लाइक फूड है. ठीक है, उसके बाद नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल लाइक मतलब जो वेजिटेबल होती है कॉमन. उसके बाद फिर उन्होंने स्वीट डेजर्ट्स और अदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनका हमें बताया हुआ है. मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट का बताया हुआ है. और उसके लास्ट वन जो है वो फैट की हमें बताई हुई है. ठीक है, अब हम नीचे आ जाएं तो इसमें ये हमें बता रहे हैं कि फूड लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, ग्राम ऑफ फैट, ग्राम ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. उसके बाद हेल्प टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस. ठीक है, हम लोग हेल्दी फूड चॉइसेस कर सकते हैं. इसमें हर चीज का हमें अलग अलग पोर्शन दिया गया है. मिल्क प्रोडक्ट एंड आर सेपरेटेड बाय फैट एंड कैलोरी कंटेंट. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट को अलग रखा गया है. ठीक है, प्रोटीन और दूसरे फूड कैलोरी कंटेंट टेबल डिफरेंट है. डेयरी प्रोडक्ट को भी डिवाइड किया है यहाँ पे. डाइटरी फैट को भी डिवाइड किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोर्सेज में. नीचे करें. और इसके बाद ये जो एक्सचेंज लिस्ट है ना, आप लोगों ने यही यूज करनी है. और अपने पास हो सके तो इसकी हार्ड कॉपी, इसका प्रिंट निकलवा के रख लो. ठीक है, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी आपके. अच्छा जी, फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है, ऊपर करना थोड़ा जरा. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 फाइन. अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो स्टार्चेज है. ठीक है, स्टार्चेज में को भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पोर्शंस में. इसमें वो हमें ब्रेड और फ्लोर्स का बता रहे हैं. अब हमें बताया गया है कि ब्रेड और फ्लोर्स की एक सर्विंग जो है, ठीक है, स्टार्चेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्टार्चेस जो हैं, ठीक है, होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह, ब्रेड वगैरह, फ्लोर वगैरह, उनकी जो एक सर्विंग है वो हमें कितने ग्राम कार्ब्स दे रही है. फिफ्टीन ग्राम कार्ब्स दे रही है, 3 ग्राम प्रोटीन दे रही है, 0 to 1 ग्राम फैट दे रही है, और कैलोरीज कितनी दे रही है, 80 कैलोरीज दे रही है. ठीक है, यहाँ से अब हम अपनी कैलोरीज को और अपने जो ग्राम्स में हमारे जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट जो वैल्यूज आई हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे. यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है और हर चीज के आगे ये लिखा हुआ है कि उसके कितने अमाउंट एक सर्विंग बनती है. अगर हम लोग देख लें तो फर्स्ट सेकेंड हमारे पास है बिस्किट. अब हम इसमें बता रहे हैं कि 1 और 2 एंड हाफ इंचेस अक्रॉस. ठीक है,
2.5 inches अक्रॉस जो एक बिस्किट है वो हमें एक सर्विंग देता है, ठीक है। और एक सर्विंग में कितने ग्राम कार्ब्स हैं? 15 ग्राम कार्ब्स हैं, 3 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम फैट है और 80 कैलोरीज हैं। अब हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर हम 2 बिस्किट ले रहे हैं 2.5 inches के जो हैं, ठीक है, 2.5 inches का एक बिस्किट और हम लोग 2 बिस्किट ले रहे हैं, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि वो 2 बिस्किट कितनी सर्विंग्स बन रहे हैं? मैम 2 बिस्किट्स 2 सर्विंग्स 2 सर्विंग्स। अब मुझे ये बताओ कि वो 2 सर्विंग्स हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स दे रही हैं? 30 प्रोटीन 6 ग्राम 6 ग्राम फैट अगर 0 लेते हैं तो नहीं होगा 1। हाँ अगर 1 लेते हैं तो वो सेम वैल्यू। कैलोरीज कितनी दे रहे हैं 2 बिस्किट 2 सर्विंग्स की कैलोरीज कितनी होगी? 160। गुड जैनब, बट आपने 169 लिखा। ओके गुड, ठीक है, समझ आई है बच्चों? जिस तरह जितना जितना सर्विंग साइज बढ़ता जाएगा उस तरह हम लोग उस चीज को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सर्विंग साइज 2 हो गए हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो सारी वैल्यूज के साथ। 3 सर्विंग साइज है, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। 4 सर्विंग साइज है। अब सर्विंग साइज किस तरह से इंक्रीज होगा? मैंने बिस्किट की एग्जाम्पल दी, एक बिस्किट लिया एक सर्विंग बनी, 2 लेंगे 2 सर्विंग बनेंगी, 3 लिए 3 सर्विंग बनेंगी, और उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट कैलकुलेट होती रहेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेड की। यहाँ पे उन्होंने हमें जी मैम ये एक बिस्किट मतलब एक पैकेट या एक बस खाली बिस्किट? एक बिस्किट, आगे उसकी वो अमाउंट क्वांटिटी भी लिखी हुई है 2.5 inches का जो हो, लाइक मतलब अच्छा वो, बड़ा सा, मतलब वो एक पैकेट में जो 10-12 होते हैं उसमें से जो एक बिस्किट होता है वो वाला बिस्किट? जी वो एक वाला बिस्किट। और तुम लोग पूरे पूरे पैकेट खा जाते हो और तुम लोग को पता नहीं चलता है ना? मैम मैं तो दिन में पता नहीं कितने खा लेता हूँ, वो पता अंदाजा ही नहीं रहता। बेटा ठीक है, तुम मुझे लगता है ओवर कैलोरीज जा रहे हो। वो मैम मैंने BMI निकाला था, वो तो मैं नॉर्मल हूँ। BMI बेटे नॉर्मल ही आता है। मैम फिर तो नॉर्मल ही हूँ मैं। आने बस ठीक है, खाओ खाओ। अब उसके बाद नीचे बात हो रही है ब्रेड की, रिड्यूस्ड कैलोरीज। रिड्यूस्ड कैलोरीज वो ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके 2 स्लाइस लेंगे तो 1 सर्विंग बनेंगी, ठीक है। अब 2 स्लाइस के साथ 1 सर्विंग बन रही है, उसके नीचे जो है वो हमारे पास है व्हाइट ब्रेड, उसका 1 स्लाइस 1 सर्विंग दे रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस नजर आता है आप लोगों को? यहाँ पे है कि हम लोग ब्राउन ब्रेड क्यों यूज करना चाहिए हमें? ब्राउन ब्रेड हमें कैलोरीज तो कम दे रहा है बट हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रहा है। उसके 2 स्लाइस जहाँ पे 1 सर्विंग बनाते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर हम लोग ज्यादा भी खा लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। एज कम्पेयर अगर हम ब्राउन ब्रेड लेंगे और सॉरी व्हाइट ब्रेड लेंगे, उसका 1 स्लाइस 1 सर्विंग देता है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है 3 से 4 खाते हैं तो वो कहाँ तक बात चली जाएगी, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेड इज अ सेफ लेवल के हम लोग ज्यादा भी खा लेंगे और कैलोरी जो है कैलोरीज भी हमारी मेंटेन रहेंगी, है ना? गुड। अच्छा नीचे आ जाए, यहाँ पे चपाती नहीं है, चपाती कहाँ गई? ये अब यहाँ पे बन से नीचे लिखी हुई है चपाती, स्मॉल साइज की, मोस्टली घरों में बनती है 6 inches अक्रॉस। वो 1 चपाती 1 सर्विंग दे रही है, 2 खाएंगे 2 सर्विंग देगी, ठीक है, 3 खाएंगे 3 सर्विंग्स देंगी, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी जो आप लोग खाते हो उन सबका नीचे लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे बात हो गई थी ब्रेड्स एंड फ्लोर्स की, नीचे हमें उन्होंने सीरियल एंड ग्रेन एंड पास्ता बताया हुआ है।
ये सारे स्टार्चेस में आते हैं, इनकी कैलोरीज सेम रहेंगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी सेम रहेंगे, फैट भी सेम रहेगी। अब इसमें हमें इन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है कि अगर हम लोग सीरियल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कितनी क्वांटिटी में लेंगे तो एक सर्विंग बनेगा, ठीक है। जैसे बार्ले का लिखा हुआ है, कुक बार्ले 1/3 कप लेंगे तो एक सर्विंग बनेगा, ठीक है। हाफ कप लेंगे तो वो 1.5 सर्विंग बन जाएगी। दो एक कप लेंगे तो वो हमारे पास दो सर्विंग्स बन जाएंगी, ठीक है। नीचे सीरियल्स का बताया हुआ है, ठीक है, ओट्स ओटमील ले रहे हैं, कुक ले रहे हैं, हाफ कप जो है वो एक सर्विंग दे रहा है, फुल लेंगे तो वो दो सर्विंग्स हो जाएंगी, ठीक है। ये इसीलिए मैंने कहा था क्वांटिटी मेंशन करो, क्वांटिटी से ही याद रहेगा कि कितनी सर्विंग्स ले ली है। 250 ml कप जो है वो 250 ml का होता है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें उन्होंने सीरियल ग्रेन पास्ता की बताई थी नीचे, अब हमारे पास यहाँ स्टार्ची वेजिटेबल आ गई है, ठीक है। अब वेजिटेबल, ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होती हैं। अब इनके वेजिटेबल में आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, न्यूट्रिशन में हम लोग ग्लास कप प्लेट सब एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। कप मोस्टली यूज होता है 250 ml का, और ग्लास भी बोल लो या कप बोल लो, कप ही लिखा जाता है उसको। अब यहाँ पे स्टार्ची वेजिटेबल जो है हमारे पास, उसमें ये वेजिटेबल है जो कि स्टार्ची होती है, ये दूसरी वेजिटेबल में नहीं आती, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी स्टार्ची वेजिटेबल है, कौन सी नॉन स्टार्ची है। स्टार्ची वेजिटेबल वो वेजिटेबल है जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाती है, ठीक है। अब इसमें कॉर्न है, ठीक है, पीस है, ठीक है, जो ग्रीन होते हैं, पम्पकिन है जो कैंड होते हैं, ठीक है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है, ठीक है, पोटैटोज हैं। अब उन्होंने यहाँ सारा लिख के बताया, अगर बेक्ड पोटैटो पोटैटो विद स्किन ले रहे हैं तो कितने कितनी क्वांटिटी एक कैलोरीज देती है, बॉइल्ड ले रहे हैं जी जी, न्यूट्रिशन में 1 cup 1 glass 1 plate सब कुछ इक्वल है, ठीक है। क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जी निम्रा कुछ कहा किसी ने? नहीं मैम। ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी स्टार्ची वेजिटेबल और कौन सी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है, ठीक है। नीचे आ जाए, जल्दी करें, टाइम कम है। आउंस के बारे में बता दूं, बताती हूँ एक मिनट। हदीका 1 oz इक्वल होता है 28.35 ग्राम के, ठीक है। ounce is a quantity measuring unit, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1 oz जो है वो 28.35 बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे कि 3/4 है तो वो कितना बनेगा, ये आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकती हैं। अच्छा जी, ये अब हमारे पास यहाँ स्नैक्स का ऑप्शन है, स्नैक्स में कौन कौन सी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, सारा लिखा हुआ है। एनिमल क्रैकर लेते हो जो उसके अलावा ये डिफरेंट चीजें तुम लोग तो खाते हो, तुम लोग को पता भी होगा, राइस केक्स होते हैं, पॉपकॉर्न्स होते हैं, ठीक है, और ये स्नैक चिप्स होती है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। 15-20 पीसेस 3/4 oz बनता है तो उसमें कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, कितनी कैलोरीज निकलेंगी। मैम ये एनिमल क्रैकर्स में वो जो विंग्स होते हैं वो ही होते होंगे, वो ही होंगे, आई मीन टू से
उसके बाद नीचे बीन्स लेंटिल्स का बताया हुआ है, ठीक है, कुक्ड कितना कितना लेंगे तो एक सर्विंग बनेंगी, यहाँ सारे ही तकरीबन लेग्यूम्स और लेंटिल्स का बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें वन एक चीज सॉरी, अब इसमें एक डिफरेंट आ गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो सेम दे रहा है, प्रोटीन चेंज हो गई है, फैट की अमाउंट चेंज हो गई है और कैलोरीज ज्यादा हो गई है, ठीक है। लाइक मतलब जो बीन पीस लेंटिल्स है वो हमें ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हें जो है वो मीट और मीट का सब्स्टिट्यूट भी कंसिडर करते हैं, कि जो लोग मीट नहीं खाते वो बीन्स पीस या लेंटिल्स यूज करते हैं, इसलिए इनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, सॉरी कैलोरीज अमाउंट भी ज्यादा है, ठीक है। सारी दालों का बताया हुआ है, ब्राउन ग्रीन येलो, उसके बाद फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस है। उस दिन आप लोगों ने मुझसे ही आ जाए, जी जी फ्रूट्स पे आ जाए निम्रा, उस दिन आप में से मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम अगर छोटा ले रहे हैं बड़ा ले रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ सारा देख लो बता दिया, एप्पल ले रहे हैं, अनपील ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं, मीडियम साइज का ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने कैलोरीज देगा। अब यहाँ पे वन थिंग, फ्रूट्स हमें कोई प्रोटीन नहीं देता और कोई फैट नहीं देता, ठीक है, फ्रूट सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं और कैलोरीज देते हैं। अब फ्रूट इन्होंने बताया, आगे उसकी क्वांटिटी बताई है, ठीक है। अब एक एप्पल जो है वो हमें 60 कैलोरीज दे रहा है और 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहा है एक सर्विंग में, अगर दो एप्पल लेंगे तो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, 120 कैलोरीज हो जाएंगी, ठीक है। हर चीज का उन्होंने मेंशन किया, डेट्स हैं, तीन ली हैं तो 15 देंगे, ज्यादा लेंगे तो कैलोरीज भी ज्यादा हो जाएंगी। ग्रेप्स का बताया हुआ है, कीवी का बताया हुआ है, चेरीज का बताया हुआ है, ठीक है, सारी चीजों का उन्होंने आगे क्वांटिटी है। अब ये आपका सर दर्द है कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सचेंज लिस्ट है तो आप लोग जब डाइट प्लान बना रहे होते हो तो आप फौरन साथ से निकाल के देख लिया, आधा दिया तो कितने सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है। आई नो कि ये सारी वैल्यूज याद करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसलिए कहा है कि इसको हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लो, कॉपी करवा के प्रिंट निकलवा के, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में भी और अभी भी। ओके, ये सारे फ्रूट्स का बताया हुआ है, उसके बाद नीचे फ्रूट जूसेस का बताया हुआ है, ठीक है। फ्रूट जूसेस भी हमें वही सेम कैलोरीज देते हैं, 60 कैलोरीज ही देते हैं, अंटिल अनलेस जब तक उनमें कोई और एडिशनल थिंग ऐड ना किए जाए, लाइक शुगर वगैरह ऐड करते हैं या कोई फ्लेवर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रूट जूस का सबका बताया हुआ है कि किसका कितना कप कितनी कैलोरीज देता है, किसी का 1/3 है, किसी का हाफ कप है। उसके बाद नीचे यहाँ हमारे पास मिल्क एंड योगर्ट्स हैं। अब इसमें कैटेगरीज रखी हुई हैं, फैट फ्री मिल्क है, ठीक है, लो फैट है, ठीक है, लाइक मतलब विदाउट ब्लाई जो होता है। अब उसमें ये है कि जो फैट फ्री स्किम मिल्क जो है वो हमें 15 ग्राम कार्ब देता है, ठीक है, 8 ग्राम प्रोटीन देता है, 0 to 3 ग्राम फैट देता है, 100 कैलोरीज देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे रिड्यूस फैट का सिलेक्शन है कि जिसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट में फैट ही रिड्यूस कर देते हैं, वो हमें कितने परसेंट कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट देता है, ठीक है। उसके बाद होल मिल्क है, लाइक होल चीज है विद बलाई है, ठीक है, कोई कोई रिड्यूस नहीं, कुछ रिड्यूस नहीं किया गया, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है, तो उसका भी हमें यहाँ पे बता दिया के होल मिल्क सेक्शन है, वो हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देगा, 18 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम फैट और 160 कैलोरीज देगा, ठीक है। कैलोरीज चेंज होती जाएंगी क्योंकि उसकी जो वो है वो नेचर चेंज हो रही है। उसके बाद डेयरी लाइक फूड्स होते हैं, जैसे चॉकलेट मिल्क है, एग योक बनाते हैं लोग, राइस मिल्क लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं, वो लोग जो कि मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते तो वो इस तरह के अल्टरनेट यूज करते हैं, तो उसमें इन्होंने आगे हमें हर का अलग अलग बताया हुआ कि 13 ग्राम फैट है। अब यहाँ भी इन्होंने हमें बताया कि 1 ग्राम में 1 कप में 13 ग्राम फैट होती है, ठीक है, हम इसकी कैलोरीज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कैलोरीज नहीं ना दी हुई, सोचो हम किसी को चॉकलेट मिल्क दे रहे हैं, अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी कैलोरीज कितनी आएंगी। मैम ये 30 ग्राम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर, और फिर जी 30 को क्या? हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, वो हमारे पास कैलोरीज आ जाएंगी, जी ठीक है। इसी तरह अगर फैट की अमाउंट होगी उसमें, तो फैट को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ग्राम को,
तो हमारे उनको सबको प्लस कर देंगे तो वो टोटल कैलोरीज आ जाएंगी। ठीक है, अब लोग देख लेना चॉकलेट मिल्क कितनी कैलोरीज देता है। आ जाओ नीचे। उसके बाद यहाँ पे स्वीट्स डेजर्ट्स वगैरह हैं जो आप लोग भी खाते हो। ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, बताया हुआ है कितने ग्राम कार्ब्स दे रहा है, कितने ग्राम प्रोटीन दे रहा है। खाली कार्ब्स दे रहा है तो कार्ब्स के अकॉर्डिंगली कैलोरीज निकाल देनी है। ठीक है, फैट भी है तो उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। ये हर चीज का जो चीज दो उसके आगे उसके देख सकते हो कैलोरीज कितने इंच दी है तो कितने कैलोरीज देगी। नीट करो नेक्स्ट। ये सारे स्नैक कुकीज पुडिंग ये वो खाते हो ना आप लोग, वो सब है। कर दो नीचे लड़की जल्दी। यहाँ पे हमें सारी कैंडी स्वीटनर टॉपिंग वगैरह जो हम लोग करवाते हैं बड़े शौक शौक से उनका सारा हमें बताया हुआ है। ठीक है, नीचे आ जाओ। यहाँ सॉसेस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो है, डोनट वगैरह, मफिन वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, फ्रोजन आइटम्स लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, उसकी भी बताई हुई है सारी। ठीक है, कितनी खाएंगे तो कितनी कैलोरीज मिलेगी, ग्रेनोला बार्स वगैरह ये जो आप लोग शॉप से लेके इस तरह की चीजें खाते हो। आ जाओ जी। अब बार यहाँ कौन सी नहीं समझ रही, नहीं जी बार कौन सी थी नहीं समझ रही। ग्रेनोला बार चॉकलेट होती है। नाइट डेरी मिल्क इस तरह की मैम, अली हसन को पता होगा, ये अली हसन बहुत खाता है ऐसी चीजें। जी अली हसन, ये जिस हिसाब से आप ये सर्विंग वगैरह दिखा रही हैं मैम, इससे तो बंदा भूखा रह जाएगा सारा दिन। ये तो एक एक दो दो बिस्किट से क्या बनता है बंदे का। तो अली तुम ज्यादा खा लेना। नहीं मैम, वो अभी तो आपने कहा कि फिर ओवर सर्विंग हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं ना हो रहा, कोई बात नहीं। वेट गेन हो रहा नहीं है? नहीं हो रहा मैं तो वहीं पे ही हूँ। नहीं ना। हाँ तो बस फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, खाते रहो। मैम, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं, वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा था मैम। प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्वेश्चन है, हम लोग उस पर भी आएंगे जब आप लोग अपना अपने लिए डाइट प्लान बनाओगे ना इंसानों वाला जब, तो फिर मैं बताऊंगी कि किससे पेट भरता है कि नहीं भरता। नहीं मैम, मेरा मतलब है कल को कोई मरीज हमारे पास आता है डाइट प्लान, उसे हम एक एक बिस्किट देंगे, उसका तो बेचारे का पेट ही नहीं भरेगा, वो मेरी गालियां बात निकालेगा। सुनो, तो उसको बिस्किट दोगे क्यों? बिस्किट तो हमें उन्होंने उस ऐसे बताया हुआ है कि अगर हम लोग खाते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं शौक से खाते हैं, कोई हमसे ऐसे ही पूछ लेता है भी बिस्किट में कितनी कैलोरीज होती हैं, यहाँ नहीं लिखा होगा तो कहाँ से पता चलेगा। मैम बाकियों में भी तो थोड़ा थोड़ा ही है, एक रोटी, आधी रोटी, एक टाइम, दो टाइम। एक रोटी में पेट नहीं भरता, दो खा लो, मैम एक रोटी से क्या बनता है आजकल के दौर में। तो खा मैम मैं अपनी बात नहीं ना कर रहा, अपना तो मैं सारा दिन ही खाता रहता हूँ, मेरी तो बात ही अलग है, मैं तो बाकियों की बात कर रहा हूँ जो पेशेंट वगैरह होते हैं। लो। अच्छा बाकी वो क्या क्या आप उनका उनका पेट नहीं भरेगा एक रोटी में? मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, वो ये कि हर पेशेंट को तो डिफरेंट डाइट देते हैं। लाइक अब डायबिटीज वाले हैं तो उनको जैसे रोटी कम करनी होती है, लाइक हम उन्हें कहते हैं कि आप जी रोटी का साइज छोटा कर लें, तो उसमें ये चीज मिला लें, तो शायद इस हिसाब से एक्सचेंज लिस्ट बेटर होती है। और उस हिसाब से भी डिफरेंट चीज है बिल्कुल, ना। जी। क्या कह रही हो निम्रा, दोबारा बोलो। मैं यही कह रही हूँ, मतलब उन्होंने यहाँ पे 6 इंचेस रोटी का बताया है ना, कि एक वो स्मॉल साइज रोटी है, अब लार्ज साइज में वो उस हिसाब से कैलोरीज होंगी। ये है कि मैम, ये एक मेरा भी ये तो प्रश्न इतनी बड़ी तो बनती भी नहीं है, मोस्टली जो हमारे घरों में बनती है 6 to 8 inches है। हाँ होती जी, होंगी। इतनी होती है तकरीबन, तो इतनी होती है। जी बिल्कुल,
अली हसन, सारे सारे लोग आपके जैसे नहीं होते, सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो सारे एडजस्ट कर लेते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि पेशेंट आपको क्या कह जाएगा कि पहले आप अपना लाइफस्टाइल सही करें, अगर आपने उसके साथ डिस्कस कर लिया। खैर ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो हम लोग लेते हैं इससे फुलफिल हो जाती है हमारी रिक्वायरमेंट, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद, एक मिनट, जी बिल्कुल हदीका, इट्स अप टू यू कि हम लोग कितने सर्विंग्स ले रहे हैं। हम मेरी हम अपनी तरफ से 10 बिस्किट खा लें, 10 सर्विंग्स हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज हो जाएंगी। स्टार्ची वेजिटेबल, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ऊपर करो। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, इसमें हमारे पास सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, वो हमें 5 ग्राम कार्ब्स देती हैं, 2 ग्राम प्रोटीन देती हैं, 0 फैट होती हैं, ठीक है, और 25 कैलरीज है। अब उन्होंने बताया वह सर्विंग साइज, अगर हाफ कप है, अगर तो रॉ ले रहे हैं लाइक सैलेड के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 कप इतनी एक सर्विंग बनता है, अगर कुक्ड ले रहे हैं तो हाफ कप एक सर्विंग बनता है, और अगर वेजिटेबल जूस ले रहे हैं तो वो भी हाफ कप की एक सर्विंग बनती है, ठीक है। और इसमें सारी वेजिटेबल्स का बताया हुआ उन्होंने, सारी सेम ही देती हैं, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट वगैरह। उसके बाद मीट और मीट सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसमें भी हमारे पास, हमें उन्होंने पोर्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, सिलेक्शन की हुई है, अगर लीन सिलेक्शन ले रहे हैं लाइक विदाउट स्किन मीट यूज कर रहे हैं तो उसमें ये सारी जो है नेम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं और आगे उनकी क्वांटिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली कैलरीज। अब जो मीट है ना, मीट ग्रुप हमें कोई कार्ब्स नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए हैं, ठीक है, मीट से हमें प्रोटीन और फैट मिलती है और कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, और ये हमें 45 कैलोरीज दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें सारी लिखी हुई हैं। बीफ है, बीफ जर्की है, कॉटेज चीज है, चीज वगैरह भी मीट में ही आती है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गन मीट है, पोर्क है, लीन मीट है, पोल्ट्री स्किनलेस, ठीक है, इस तरह के सारे नीचे करो। उसके बाद हमारे पास मीडियम फैट सिलेक्शन आ गया, मतलब वो कुरातुलैन, मैं करती हूँ आंसर बाद में। अच्छा उसके बाद मैम, 1 होल एग कितनी कैलोरीज देता है, ऊपर करना, ऊपर लिखा हुआ था एग का। यहाँ पे है, ये देखो, एक मिनट, ये है एग वाइट, अगर तो एग वाइट ले रहे हैं तो वो 2 एग वाइट एक सर्विंग बनाएगा, ठीक है, अगर होल एग ले रहे हैं तो वो 1 सर्विंग होगी, और वो 7 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फैट और 45 किलो कैलोरीज देगा, ठीक है। अगर एग वाइट यूज कर रहे हैं तो वो 2 लेंगे तो 1 सर्विंग बनेगी, होल एग, 1 एग एक सर्विंग बनेगा। आज नीचे करो जल्दी जल्दी। इसमें हमारे पास चीज आ गई है, ये सारी चीज की टाइप्स आ गई हैं। उसके बाद हाई फैट सिलेक्शन है, जो तो हमें लिमिटेड यूज करनी चाहिए, इसमें डिफरेंट बताया हुआ है, जो मतलब पूरा वो सॉसेज वगैरह के साथ वो कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं, ठीक है, और ये हमें 100 कैलोरीज देता है, ठीक है, और फैट 8 और मोर ग्राम देता है, 7 ग्राम प्रोटीन है। उसके बाद नीचे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ सारे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, और इसमें भी हम लोग, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट आइटम की डिफरेंट कैलोरीज वगैरह बताई हुई हैं, सॉरी अमाउंट बताई हुई कि इतने ग्राम प्रोटीन देते हैं, इतने ग्राम फैट, तो फिर उनकी कैलोरीज निकाल लेंगे, नीचे आ जाए। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जिनका आपको पता भी नहीं होगा, सुन भी पहली बार रहे होंगे। अब यहाँ पे फैट आ गया, अब ये उस फैट की बात हो रही है जो कि हम लोग हमें स्लाइडली क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, ठीक है। फैट हमें ना कोई कार्बोहाइड्रेट्स देगा, ना ही प्रोटीन देगा, सिर्फ फैट देगा, ठीक है, 45 कैलोरीज देगा।
अब इसमें ये उन्होंने हमें सारा बताया हुआ है कि कितने हम लोग चीजें लेंगे, मतलब 6 almond लेंगे तो एक सर्विंग बनेंगी, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो 45 calories आ जाएंगी। इसी तरह सारे नट्स का बताया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये मोनोअनसैचुरेटेड थे, नीचे पोलोअनसैचुरेटेड का बताया हुआ है, मार्जिन वगैरह है, मायोनीज वगैरह है, वो कितनी यूज करेंगे तो कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कितनी सर्विंग बनेंगी टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली। उसके बाद नीचे पॉली अनसेचुरेटेड ही है, नीचे आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए, ये भी सेम वही। उसके बाद नीचे सैचुरेटेड फैट का बताया हुआ है, सैचुरेटेड फैट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमें less than 10% कंज्यूम करना चाहिए, तो इसमें हम लोग हमें सारी बताया हुआ चीजें कौन कौन सी सैचुरेटेड फैट में आती हैं, कितनी कितना क्वांटिटी कितने कैलोरीज बनाती है, ठीक है, और वो हमें कैलोरीज कितनी देती है। बस बस खत्म। जी समझ आ गई है? की आवाज आ रही जी, मैम, हम लोग चेन्नई में मोजरेला चीज को यूज जी करते आ हैं। रही है, कॉटेज बोलिए। चीज, कॉटेज चीज क्या होती है? चेडर मोजरेला को तो पता है, कमर्शियल बेस पे मिलती है। कॉटेज चीज भी चीज की ही टाइप है, लेकिन मैं मोस्टली हम लोग चेडर या मोजरेला यूज करते हैं, तो कॉटेज कहाँ पे यूज होती है? कॉटेज भी ये रेस्टोरेंट्स वाले यूज करते हैं मोस्टली, घरों में ज्यादा मोजरेला या चेडर चीज यूज होती है, लेकिन अक्सर वो जो आई थिंक येलो कलर की होती है कॉटेज चीज, आई थिंक अक्सर पिज्जे की वो जो साइड्स होती है ना उनमें भी फिलिंग की जाती है चीज के साथ, वो कॉटेज चीज होती है। मैम चीज का क्या फायदा है? मतलब ये तो फैट ही है ना। अधिका आई डोंट नो, हाँ है तो फैट या वेट गेन, फैट वो सॉरी वेट गेन करने के लिए हम लोग देते भी हैं, अगर वेट रिड्यूस भी करना है तो तब भी इसकी अमाउंट देते हैं, क्योंकि चीज है डेयरी प्रोडक्ट है, तो इसका मैम अगर वेट तो रिड्यूस में भी यूज होता है? नेचुरल वे से प्रिपेयर की गई है। हाँ वेट रिड्यूस जिन्होंने कर उनको भी हम लोग दे देते हैं, लेकिन फिर क्वांटिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि है तो डेयरी प्रोडक्ट ना, अगर आप कोई पर्सन आपसे कहता है ना मैं मिल्क पीता हूँ ना मैं योगर्ट खाता हूँ, तो आप डेयरी में उसको फिर क्या करेंगी, जी चीज ही रह गई ना, तो आप उसको देंगी चीज के वो कर ले, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर हम लोग कम कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं कराएंगे, ठीक है, कि खानी ही नहीं है छोड़ दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर उसको पसंद है क्लाइंट को पसंद है तो हम लोग उसको देंगे, लेकिन क्वांटिटी कम कर देंगे। हदीका ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरतुलैन सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज नहीं खानी चाहिए, चीज इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, ये डेयरी से बनती है तो इसका कोई वो नहीं है। हाँ उसके बाद फिर चीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो कि उसके फिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लिया कि हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन है जल्दी से करो फिर जाएं। स्टूडेंट्स मैम, आवाज आ रही है? मैम नहीं जी आ रही आ रही लग है। रहा। क्वेश्चन है किसी का कोई, या फिर मैम जी कोई बोला था अभी? मैम अच्छा मेरा एक मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है जी? है मैम, ये अब 10:30 हो गए हैं तकरीबन,
तो मैम इस टाइम हमें क्या खाना पीना चाहिए? जैसे मुझे भूख लग रही है तो अपना स्टूपिड क्वेश्चन प्लीज अपने पास रखो, टाइम वेस्ट ना करो, जो दिल करता है खा लो। मैम वो इस हिसाब से ना, फिर वो आपने कहा था आप लोगों की अच्छा फूड डायरी इतनी तो कुछ ढंग का लिखो, फिर इस वजह यार से बच्चों, बंदा ऐसा आप क्वेश्चन करता है कि क्या मैंने खाया जाए। जो मर्जी खा लो, जो तुम लोगों का दिल करता है खा लो, तुम लोगों की मेरे बस से बाहर हो, तुम लोगों की अजीब तुम लोग हो, सारा दिन खाते हो फिर भी। अच्छा अब सुन लो काम की बात, करना क्या है मंडे का।